तक दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूसी आक्रमण के बाद पहली बार यूक्रेन से अनाज लेकर एक जहाज ओडेसा बंदरगाह से लेबनान के लिए रवाना हुआ है। लगातार बढ़ते वैश्विक खाद्य संकट से निपटने में मदद के लिए युद्धग्रस्त देश से कृषि उत्पादों के निर्यात को मंजूरी देने के वास्ते संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के सहयोग से कराए गए समझौते के चलते ये संभव हो पाया है। वहीं बता दें कि मालवाहक जहाज रजौनी पर सियारा लियोन का झंडा लगाया हुआ था। ये जहाज 26,000 टन से अधिक मक्का लेकर ओडेसा के बंदरगाह से लेबनान के सफर पर निकला है। यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्री ओले कंसलांद क्रुब्राकोव ने ट्वीट किया कि रूसी आक्रमण के बाद पहली बार एक जहाज अनाज लेकर बंदरगाह से रवाना हुआ है। बता दें कि फेसबुक पर एक अलग पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा, आज यूक्रेन अपने साझेदारों के साथ दुनिया को भुखमरी से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, इससे यूक्रेन को भी मदद मिलेगी। वहीं रूस और यूक्रेन में 22 जुलाई को इस्तांबुल में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ कुछ समझौतों पर दस्तखत भी किए थे, जिससे कीव के लिए रूसी आक्रमण के बाद काला सागर के बंदरगाहों पर पिछले 5 महीनों से फंसे 2.2 करोड़ टन अनाज व अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात करने का रास्ता साफ हो गया था। ये समझौते रूस को भी अनाज और खाद का निर्यात करने की अनुमति देते हैं। इन समझौते के तहत यूक्रेन के बंदरगाहों के बाहर मौजूदा जल मार्गों पर सुरक्षित गलियारे स्थापित किए गए हैं। यूक्रेन और रूस वैश्विक स्तर पर गेहूँ, जौ, मक्का और सूरजमुखी के तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश में शामिल है। वहीं काला सागर क्षेत्र की बेहद उपजाऊ भूमि को यूरोप का अनाज का कटोरा कहा जाता है। युद्ध के कारण अनाज आपूर्ति रुकने से वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज हुई गई, जबकि कई विकासशील देशों में भुखमरी और राजनीतिक अस्थिरता का खतरा मंडराने लगा। वहीं मॉस्को में बता दें कि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि जहाज की रवानगी को बेहद सकारात्मक कदम करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे उन उपायों का प्रभाव आंकने में मदद मिलेगी जिन पर इस्तांबुल में हुई वार्ता के दौरान सहमति बनी थी। मैं बता दें कि रजौनी के मंगलवार दोपहर इस्तांबुल पहुंचने की संभावना को देखते हुए वहीं रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की एक टीम जाँच के लिए जहाज पर सवार होगी। इसके बाद उसे लेबनान रवाना किया जाएगा। तुर्की के रक्षा मंत्री ने सरकारी समाचार एजेंसी को दिए एक बयान में साक्षात्कार में चेताया कि वैश्विक खाद्य संकट अफ्रीका से यूरोप और तुर्की में बड़े पैमाने पर पलायन के गंभीर खतरे को जन्म देता है। वहीं बता दें कि रजौनी को लेबनान में मक्के की आपूर्ति करनी है, जो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 2020 में बेरूत में लेबनान के मुख्य बंदरगाह पर हुए भीषण विस्फोट से उसकी राजधानी हिल गई थी और बड़े पैमाने पर अनाज की खेप नष्ट हो गई थी। लेबनान मुख्य रूप से यूक्रेन से गेहूं का आयात करता है। हालांकि वह खाद्य तेल के उत्पादन और पशुओं के चारे के लिए उससे बड़े पैमाने पर मक्का भी खरीदता है। इस बीच तुर्की ने कहा कि सुरक्षित गलियारों से अन्य जहाज भी अनाज लेकर यूक्रेन के बंदरगाहों से निकलेंगे। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि ओडेसा में अनाज से लदे 16 और पोत अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये पोत 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस से आक्रमण के बाद से ही वहां पर फंसे हुए थे। हालांकि कुछ जहाज कंपनियां अभी भी काला सागर क्षेत्र में अनाज के निर्यात से बच रही हैं। उनका कहना है कि काला सागर क्षेत्र में खदानों से निकला पानी मौजूद है और बंदरगाहों व अनाज के गोदाम पर रूसी हमलों का जोखिम भी बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने उम्मीद जताई कि अनाज आपूर्ति वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खासकर सबसे नाजुक मानवीय संदर्भों में बहुत आवश्यक स्थिरता और राहत लेकर आएगी। वहीं बता दें कि कुब्राकोव ने दावा किया कि आपूर्ति युद्ध से प्रभावित यूक्रेनी अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा, बंदरगाहों को खोलने से यूक्रेनी अर्थव्यवस्थाओं को कम से कम $1 अरब का विदेशी मुद्रा राजस्व मिलेगा और कृषि क्षेत्र को अगले साल के लिए योजना बनाने का मौका हासिल होगा। उधर दूसरी ओर यूक्रेनी नागरिकों ने भी जहाज की रवानगी पर खुशी जताई। ओडेसा निवासी ओलेना वितालियान ने कहा कि आखिरकार जीवन आगे बढ़ रहा है और कुछ सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। बंदरगाह का संचालन जारी रहना चाहिए क्योंकि ओडेसा एक बंदरगाह शहर है। हम यहाँ रहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ हर चीज़ सक्रिय रहे, हमारे पास कुछ भी ना रुके। यूक्रेन से अनाज आपूर्ति की बेहाली के बीच देश में भीषण लड़ाई जारी है। रूसी बलों ने जहां देश के पूर्वी हिस्से पर हमला तेज कर दिया है, वहीं यूक्रेनी सेना रूस के कब्जे वाले अपने दक्षिणी भाग को दोबारा हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।